चलिए दोस्तों आपको फल सब्जी मंडी का नज़ारा दिखाते हैं। आज पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की है और काफ़ी चालान भी किए हैं बिना मास्क वालों के। और काफ़ी राजस्थान जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं फल सब्जी मंडी में। आरएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं और काफ़ी लोगों के यहाँ पर चालान किए गए हैं बिना मास्क के, जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। आइए मालूम करते हैं। हाँ सर, आज काफ़ी चालान किए। काफ़ी चालान किए गए बिना मास्क वालों के। हाँ जी सर, किए गए हैं। और जो कोरोना गाइडलाइन की, क्योंकि गंगा परिषद में काफ़ी बीमारी फैल रही है, काफ़ी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हाँ जी, इसलिए काफ़ी चालान किए गए आज। हाँ सर, आज बहुत चालान किए हुए हरा मंडी के अंदर, और मंडी को पूरी तरह मंडी में रहने वाले व्यक्तियों को सबकी समझाइश की गई। और ये मास्क का भी सबको गाइडलाइन वगैरह सबको दी गई है, और मास्क के बारे में भी सबको जानकारी दी है। जिसके पास मास्क नहीं है उनका सबका चालान किया गया। करीब कितने लोगों का किया होगा सर? करीबन 8-10 लोगों का किया है अभी, और लोगों को समझाइश भी की जा रही है। हाँ, समझाइश बिल्कुल की जा रही है। मंडी के अंदर बिल्कुल घुसने नहीं दिया जा रहा मास्क वालों को, बाहर निकाल दिया जा रहा है। देख रहे दोस्तों, काफ़ी यहाँ बिल्कुल गेट पे ही पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जाकि जो कि बिना मास्क के चालान नहीं करें। काफ़ी यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक में जो इंचार्ज है तेजब काफ़ी चालान किए हैं। हाँ, चालान कर रहा हूँ, इनके लिए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका चालान बना रहा हूँ। जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनका, उनके सबको कह रहा हूँ मैं, तो मास्क लगाएंगे और दूरी बना के रखेंगे। सुबह से यही काम कर रहा हूँ। और जो भी इसमें टेम्पो में बैठते हैं उनके लिए भी, हाँ उनके लिए सवारी लगा कर ही बैठाएंगे सबको। देख रहे हैं डॉक्टर, एक जागरूक चालान कर रहे हैं, जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान भी किए जा रहे हैं। और हम अंदर का हाल दिखाते हैं आपको। आरएसी के और राजस्थान पुलिस के दोस्तों जवान हैं, बिल्कुल गेट पर सब्जी मंडी के अंदर तैनात किए गए हैं। मंडी में कोई भीड़ नहीं है। हेलो, अभी बारे में बात करना ना लाइक लगा। हेलो, अरे बाहर बात करना ना, अभी लाइक लगा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर किसानों के गेहूँ की तुलाई भी हो रही है। और हम आपको सब्जी मंडी का थोक में दोस्तों भाव भी बताएंगे आपको। आज आलू प्याज क्या भाव बिका सर थोक में? आलू 8 रुपये, 10 रुपये,
प्याज 8 से 10 रुपए सफ़ेद वाली। सफ़ेद वाला 8 से 10 थोक में, और लाल वाला सर? लाल वाला ये भाई साहब 12 रुपए से 15। 12 से 15। देख रहे दोस्तों, हम आपको सब्जी मंडी के भाव भी बता रहे हैं। आलू क्या भाव है सर? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो थोक में? हाँ। ये बढ़िया वाला क्वालिटी का? बढ़िया क्वालिटी। और प्याज क्या भाव है सर? प्याज 14-13। 14-13 लाल वाला? लाल वाला बढ़िया। और मंडी टैक्स अलग? मंडी टैक्स 6%। 6%। अंगूर का भाव दिखा दें दोस्तों हम आपके लिए। अंगूर अनार का, और मंडी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ के माननीय सर, आज क्या भाव, फल क्या भाव बिका सर? आज अंगूर जो है 50 से 60 रुपए किलो बिका है, और चीकू 30-35 रुपए किलो बिका है, और अनार 40-45 रुपए किलो बिका है, और हम लोग केला 25 रुपए किलो बिका है। कोविड को, इस महामारी को देखते हुए हम लोग जो है बिल्कुल मिनिमम रेट पर जो है माल बेच रहे हैं, और हमारी कोशिश यह है कि जनता को ऐसी सुविधा नहीं हो इस साया के अंदर, और उनका काम चलता रहे। और आज तो मास्क लगा के सर, आज तो पूरी मंडी में करीब करीब सभी लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। हमारी मंडी में पूरा सब लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और सब लोगों ने मास्क लगा रहे हैं, और आगे भी जो है हम कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। देख रहे दोस्तों, ये जो अंगूर है थोक के अंदर, इसमें टैक्स अलग है सर? हाँ, मंडी टैक्स अलग है? मंडी टैक्स अलग है? हाँ, 60 रुपये किलो मंडी टैक्स अलग है। ये वाला अंगूर सर क्या भाव है? 60 रुपये किलो। ये वाला 60 रुपये किलो दोस्तों? वाला 50 रुपये किलो। ये वाला अंगूर है जो लंबा वाला है, 60 रुपये, ये 60 रुपये किलो बिका है। और अनार बढ़िया में देसी अनार है, ये 40 रुपये किलो थोक के अंदर बिका है। दोस्तों हम आपको मंडी का भाव दिखा रहे हैं लाइव, आप देख सकते हैं थोक सब थोक सब्जी मंडी का। और हम दिखाना चाहेंगे आपको आम का भाव दोस्तों। सर आज आम क्या भाव का लीलाम में? 40 रुपये किलो से 45 रुपये किलो। 40 से 45 रुपये किलो थोक के अंदर बिका है? और मंडी टैक्स अलग है? मंडी टैक्स 1 रुपया है ना, वो देना पड़ेगा। और ये वाला सर आम क्या भाव का? ये 45 रुपये किलो का। ये वाला 40 रुपये किलो का। और ये वाला सर? ये 60 रुपये। ये वाला 60 रुपये किलो बिका दोस्तों। दशहरी है ना? दशहरी आम है ये, और ये थोक के अंदर 60 रुपये किलो बिका है। ये तोता परी है। ये तोता परी क्या बात होगा? ये 35 रुपये। ये तोता परी आम देख सकते हो दोस्तों, ये 35 रुपये किलो थोक के वो बिल्लाम मंडी के में थोक में बिका है, और मंडी टैक्स के में उसमें अलग भी है। मंडी टैक्स अलग है ना? अलग है, मंडी टैक्स अलग है। ये तोता परी हो गया। और ये वाला आम कौन सा? ये सफेदा। ये सफेदा आम है? ये 50 रुपये। ये 50 रुपये किलो थोक के अंदर बिका है। और मल्टी टैक्स लगा के कितना क्या आप लगा? ये वाला ये 6% लगता है टोटल। 6% टैक्स है इसमें दोस्तों। और ये सफेदा, ये सफेदा क्या है? ये 30 रुपये बिका। ये 30 रुपये किलो दोस्तों। हम आपको दिखा रहे हैं फल सब्जी मंडी से थोक सब्जी मंडी का लाइव, देख सकते हैं आप। और चीकू क्या भाव का? 200 रुपये डिब्बा। 200 रुपये डिब्बा। एक डिब्बा कितने का किलो का होता? ये 9-10 किलो का आता डिब्बा। 9-10 किलो का, 10 किलो का डिब्बा है दोस्तों ये, और 200 रुपये का बिका है। वाले में थोड़ा हल्का है ये। और बढ़िया चीकू क्या भाव का? बढ़िया चीकू 250 रुपये। 250 रुपये। और दोस्तों इसी फल सब्जी मंडी के अंदर किसानों को गेहूं भी तुलाई हो रहा है। किसानों का जो गेहूं है
सरकारी कांटा यहाँ पे लगा हुआ है फल सब्जी मंडी के अंदर। अपना गेहूँ यहाँ पे आके किसान बेच सकता है बराबर। दोस्तों हमने आलू प्याज का आपको भाव बताया। सफ़ेद वाला प्याज के भाव कितने का था? आज सफ़ेद वाला प्याज के भाव का 200। एक बार फिर से दोस्तों हम आपको भाव बताना चाहेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लाल प्याज है और मालूम करते हैं सभी प्याज के वहाँ पे क्या थोक में 14 रुपये किलो और मनी देख के 14 रुपये किलो। और ये आलू 14 आलू 10 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो बिका दोस्तों। और लहसुन बिक रहा 20-22 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। ये हल्की क्वालिटी का 20-22 रुपये का। और बढ़िया क्वालिटी का क्या वहाँ पे का लहसुन? बढ़िया नहीं आ रहा यही वाला देख रहे दोस्तों। हम लाइव आपको मंडी से भाव दिखा रहे हैं। और ये लाल लाल तरबूज, इसको कलिंदा भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या भाव बिका तरबूज? 10 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये बेचा वो 7 रुपये, 8 रुपये। ये बढ़िया वाला क्या भाव बिका? ये 8 रुपये बेचा, ये हल्का वाला 4 रुपये बेचा। ये 8 रुपये किलो बढ़िया वाला। और ये वाला मीडियम? ये 4 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये किलो। आज मंडी में ग्राहक नहीं आने के कारण तो माल बच गया हमारा। दोस्तों ये देख रहे हैं, कलिंदा भी कहते हैं इसे, तरबूज भी कहते हैं। और ये बिका है थोक में 8 रुपये किलो बिका है दोस्तों। और मंडी 8-7 रुपये किलो मंडी तक चला गया। 6% मंडी टैक्स है और 8 रुपये किलो बिका है दोस्तों तरबूज थोक में। काफी स्टॉक है लहसुन का, प्याज का। और यहाँ फल सब्जी मंडी का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको। ये वाला तरबूज है जो कि 800 रुपये किलो बिका है दोस्तों थोक के अंदर। जब तक जिंदगी है जब तक संभल के रहो गाइडलाइन का पालना करो। गाइडलाइन का पालना तो करेंगे लेकिन भूखे मरेंगे क्या? पुलिस वाले 6 बजे मंडी खाली करवा देते हैं, अब क्या करें हम? किसान तो रात को आ जाता है ना। अरे किसान रात को नहीं आता भाई, जब 4 बजे मंडी चालू होती है 6 बजे मंडी खाली करवा देते हैं, 2 घंटे में क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? अभी इतने माल सड़ रहा है, देखो दुकान में पूरा माल भरा। अभी 2 घंटे आओ, 2 घंटे का टाइम तो मिल रहा है अभी, कहीं तो हालात खराब हो रही है गंगापुर सिटी के अंदर। पूरा माल भरा पड़ा है देखो। ये अनार क्या भाव बिका है? 20 रुपये किलो। ये छोटे साइज का अनार है दोस्तों और ये 20 रुपये किलो बिका है। और ये 1000 रुपये क्रेट होती है, 20 किलो, 1000 रुपये की क्रेट है, 20 किलो की दोस्तों। और अच्छा मौसमी क्या आप की? मौसमी 1015 किलो, मतलब 1000 रुपये की 15 kg, 1000 रुपये की 15 किलो। हाँ जी, कोई टैक्स थोड़ी है इसमें? नहीं, मौसमी VIP माल है बिल्कुल, सोना सिक्का। आम हो रहे भाई साहब, देख लो आम भी बहुत बढ़िया। आम बिक नहीं रहा बिल्कुल भी, 40 रुपये किलो का आम है।
थोक में क्या बिक रहा है? 40 रुपए किलो, कैसे भी निकाले इनको। दोस्तों ये 40 रुपए किलो का आम है, देखो वीआईपी आम है बिल्कुल, जो कि आपको जो कि रिटेल मंडी में जाओगे आप तो 70 या 80 रुपए से नहीं, कम नहीं मिलेगा। और जो लीला मंडी के अंदर है ये 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मात्र बिक रहा है दोस्तों। और कुछ टैक्स इस पे? टैक्स है इसके पास 6%, 6% टैक्स है। दोस्तों फल सब्जी मंडी गंगापुर सिटी से हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, मोहम्मद चरणजी घोड़ा दुकान से। और यहाँ पर आपको फल सब्जी मंडी में अगर लेना है तो आप आगे ले सकते हैं, नहीं ले सकते 6 बजे पुलिस वाले डंडे मारते कहाँ से ले लेंगे। मास्क का प्रयोग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, मास्क का प्रयोग करेंगे किसान भी और कोई परेशान नहीं करेगा, गाइडलाइन करेगा और गाइडलाइन का पालना जरूर करनी पड़ेगी। भीड़ वाला ना लगाए, और ये कोई भाव नहीं बिक रहा, जूस की दुकानें बंद है सारी। ये 15 रुपए किलो का भील है भाई साहब, 15 रुपए किलो का भील है, माल भी है बिल्कुल। दोस्तों ये भील है 15 रुपए किलो बिक रहा है, क्योंकि ठंडे की दुकानें बंद है इसलिए ये रखा हुआ सड़ रहा है, सड़ रहा है। और व्यापारियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हम कपेर में आ गए, हेलो आनी भाई, हेलो हाँ हेलो, अरे मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है मोबाइल मेरा, हेलो हाँ भैया, ये क्या चीज़ है फल? पाइनएप्पल। ये दोस्तों पाइनएप्पल है, और क्या भाव बिक रहा है? 40-45 रुपए किलो। हेलो अभी मारा। और सेब क्या भाव बिका? सेब नहीं है भाई साहब, सेब पूरी मंडी में नहीं है, सेब पूरी मंडी में ही नहीं आ रहा है दोस्तों। पाइनएप्पल कितने का है? पाइनएप्पल भाव बता दो भाई, पहले पड़ा भाई साहब 8 किलो। दोस्तों ये 43 रुपए किलो है पाइनएप्पल का भाव। और जो अनार है देसी, अनार देसी क्या आपके भाई साहब? 20 रुपए से लेकर 50 रुपए। ये वाला क्या आपका? 35 रुपए, 35 रुपए किलो है अनार ये। और ये आम क्या आपका? 45 से 40 रुपए किलो है दोस्तों। हेलो अभी बाद में बात करना जी, बाद में बात करना जी, लाइफ में ये नारंगी क्या आप आज? नारंगी है सस्ती है क्या आप क्या आप बिकी बताना। दोस्तों नारंगी देख रहे हैं लीला मंडी के अंदर, और नारंगी है मौसमी है। ये आम क्या भाव बिका? आम क्या भाव बिका? आम बिक रहा 45-40-35 सब तरह के रेट है सर, 30 से लेकर 40 रुपए के रेट में। ये वाला क्या भाव बिका? ये 45 बेच रहे हैं, 48 बेच रहे हैं। ये 45 है, ये 48 है। और ये अंगूर क्या भाव बिका सर? अंगूर 70 रुपए क्या आप गए? 60 से 70 रुपए किलो बिका रहे तो। ये आम भी हम ही लेंगे, और कौन लेगा? आजा कौन आजा मर्दों से बात कर। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे
इतने लोग आप भीड़ भाड़ एक दुकान में नहीं लगा तो अच्छा रहेगा, इतनी भीड़ भाड़ नहीं लगा तो अच्छा रहेगा एक जगह। नहीं है, 3-4 आदमी हैं। पपीता क्या बिका आज? पपीता आज बिका 30-40 रुपये। बढ़िया क्वालिटी का? कोई मंडी टैक्स? मंडी टैक्स वैसे नहीं है कोई। मंडी टैक्स नहीं है, 30 रुपये किलो बिका है? 30-40 जैसा भी आए। 30-40 बढ़िया क्वालिटी का। दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको लीला फल सब्जी मंडी लीला मंडी से भाव। पपीता क्या 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 आप बिका है? 32 रुपये। 32 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का। खरबूजा क्या आप बिका है? खरबूजा क्या आप बिका है? 15 रुपये किलो। खरबूजा 15 रुपये किलो बिका है। और हम दिखाते हैं आपको टमाटर। दोस्तों टमाटर क्या आप बिका है? टमाटर साहब 80 का, 70 का, 60 का, 50 का, जिससे बाल क्रेट बिक रही है। ये क्या आप बिका? ये 50-50 का। 50 रुपये कितने किलो की? 25 किलो की, 2 रुपये किलो। दोस्तों 25 रुपये 25 किलो की क्रेट है और मात्र 50 रुपये की। ये वाले ये सर एक भाग है 50 रुपये 50 रुपये क्रेट। तो ये मिर्ची 6 रुपये किलो। मिर्ची 6 रुपये किलो। हरी मिर्ची? हरी मिर्ची दोस्तों, हरी मिर्ची है। देख रहे किसान करे तो आखिरकार में क्या करे। ये मिर्ची है जो 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो भी नहीं बिकी? हाँ 6 रुपये किलो। 6 रुपये किलो में भी दोस्तों कोई रेवा नहीं है। ये हरी हरी मिर्ची है, बिल्कुल तीखी मिर्ची है बढ़िया। और 6 रुपये किलो कोई टैक्स थोड़ी है इसमें? टैक्स है क्या इस पर? 6% और ये आलू 50 रुपये, ये टमाटर दोस्तों 50 रुपये की क्रेट है, 25 किलो की बिकी है। आज का भाव है? आज का भाव। और मिर्ची 6 रुपये किलो? 6 रुपये आज का भाव। आज का भाव है ये। और नींबू क्या भाव बिका भैया? नींबू बिका 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो नींबू बिका है। और कैरी क्या भाव बिकी है? कैरी 20 रुपये किलो। कैरी बिकी है 20 रुपये किलो, बिकी नहीं है पड़ी है माल। और ये क्या चीज़ है? ये है चुकंदर, खीरा। चुकंदर है, खीरा, कटहल है। और दोस्तों देख रहे हैं ये कटहल का क्या हाल हो रहा है। कटहल पूरी ये माली खीरा बिक रहा है। क्या ये खीरा? खीरा 2 रुपये किलो बिक रहा है। 2 रुपये किलो खीरा जो भी पड़ा बिकाने 2 रुपये बिक रहे थे। देख रहे दोस्तों क्या हालत है। ये फकून छा गई कटहल में रखे रखी चुकंदर पड़ा पूरा। चुकंदर क्या भाव बिका? चुकंदर 4-5 रुपये बिक रहा है, जो बिक नहीं रहा है। देख रहा दोस्तों ये बिक्री नहीं हो रही है चलते। और ये आलू क्या भाव बिका? आलू 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। अभी बाद में बात करना, लाइव में कह रहा हूँ, काटने का मतलब नहीं समझते हो आप। बाद में बात करना अभी भाई। टमाटर देखो दोस्तों, टमाटर क्या आप बिका? 30-30 रुपये क्रेट बिक रही था। 30 रुपये 30-40-50। बंद गोभी है दोस्तों, बंद गोभी क्या आपकी?
8 रुपए किलो। अदरक क्या जी? अदरक 30 रुपए किलो। अदरक तो 30 रुपए किलो दोस्तों। और प्याज क्या आप क्या सफेद वाला? 47। प्याज क्या आप क्या है? प्याज 8 रुपए किलो। प्याज 8 रुपए किलो बिका दोस्तों। और नींबू का भाव बता दें हम आपको। नींबू क्या आप क्या भाई? 80 रुपए किलो दोस्तों। 80 रुपए किलो मंडी में बिका है नींबू। ये दोस्तों हम आपको आज का भाव बता रहे हैं लीला मंडी से। क्या भाव बिकी हरी मिर्ची? अरे साहब मिर्ची बिक रही है 5 रुपए, 6 रुपए, 3 रुपए। 5-6 रुपए किलो। और ये वाली? ये 3 रुपए, 2 रुपए। और ये? ये 10 रुपए, 12 रुपए। भिंडी 10 से 12। भिंडी का भाव बिका क्या भाव बिकी? 12 रुपया, 10 रुपये। ये क्या बिकी भिंडी? भिंडी बिक रही है भाई साहब 7-8 रुपये किलो। कोई भाव नहीं है इस टाइम तो, कोई भाव नहीं है इस टाइम तो। आप आज क्या भाव बिकी? ये 7-8 रुपये किलो। 7-8 रुपये किलो दोस्तों ये भिंडी है। और अदरक क्या भाव बिकी? अदरक 30 रुपए किलो। दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको फल सब्जी मंडी से। और मूली का कोई खरीदार नहीं है दोस्तों। यहाँ मूली रखी रखी खराबी हो रही है। किसानों की दोस्तों यहाँ पर सब्जी मंडी में बहुत ही कम भावों में सब्जियाँ बिक रही हैं। किसान परेशान है। और ये कोरोना के चक्कर में पुलिस कर्मियों को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। ये तरबूज क्या भाव बिका भाई? तरबूज हाँ 11 रुपए किलो बिका है। तो हम आज से लीला मंडी से आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं फल सब्जी मंडी गंगापुर सिटी से।
दोस्तों ये मंडी से गैस का दिखा रहे हैं हम, और काफ़ी आज व्यवस्था की गई, लेकिन आपने मास्क पूरा नहीं लगाया हुआ गेट पे आप बैठे हुए, आपकी जिम्मेदारी गेट पे पूरा मास्क लगाना चाहिए आपको। आरएसी के जवान बिल्कुल तैनात चौराहे पर, कुत्ते चौराहे पर निगाह बनाए हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए। तो हम आपको ये उदय मोड़ से सीधा दिखा रहे हैं, सब देख रहे हैं दोस्तों ये जो आपको धूल दिख रही है ये सब मजदूर हैं, मजदूर करने के लिए दिहाड़ी मजदूर हैं ये, डेली की डेली यहाँ पर उदय मोड़ पर आके बैठते हैं। सारे दिहाड़ी मजदूर ये गांवों से सुबह सुबह मजदूरी के लिए आते हैं दिहाड़ी मजदूर।